मौसम देखने को नहीं मिलता, पर आज हम बहुत खुश हैं। चलो अब बासमा को घूम के आवांगे। ये देखो भाई, चाय बना दो। देखो मैं थक के आई हुई ठीक है। आए मेरी जेठानी तो जो परेशान थी, तन्ना बनानी पड़ेगी ठीक है। देखो गाइज, अब हम आ गए हैं अपनी ननद के घर। अरे ये मेरी देवरानी है, ये हमने 2-3 दिन पहले गाल रखी थी। हाँ, बेबे तो काम संभाल। मैंने सोचा कि ये लोग आएंगे, वेलकम मैं करूंगी। देखिए जी हम तो तेरा हमारी मौसी ने कति गेट पर खड़ी पाई है ना। हरी आए प्रीति की है, ये देखो माँ अपनी ननद का ही दूंगी ठीक है। अरे ये देखो हमारी प्यारी सी ननंद, जो आज बहुत सुंदर लग रही है। ड्रेस देखो पहले तो इसकी। कर रहा मेरे लड्डू है, गाड़ी चला रहा है, चला ले। उतरेगा नहीं, ये चलाएगा अब। हाँ चलाएगा। गाना ठीक है, मेरे भी लगाना। जेठानी होता है ऐसी हो। ये देखो नेल पेंट लगानी शुरू कर दे, सारी आ जाओ नंबर वाइज। आ गई तेरे पीछे लाइन में बैठी हूँ। आप भी लगवावांगे? अरे या तने बेरा कितने जल्दबाजी कर दे है। तो गाइस अब हम रेडी होला, फिर खाना खाने चलेंगे है ना, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करके आए हैं तो हमारे चेहरे पर थकान अलग से नजर आ रही है। तो रेडी होकर फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आनंद के घर जागरण, ये देखो तैयारी कर ली है मेरी मौसी ने सारी। हाय घर हम रुकेंगे मौसी मारी, हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हेलो टकलू, हेलो बेटा। तो गाइस खाना चल हो गया है, बस हम सब यहाँ पर खाना खाने लग रहे हैं। खाना खा रही है मेरी जेठानी, जो अब तक नहीं छिकी है क्योंकि ये पहले बच्चों को खिला रही थी। भाई सारे खाओ, जिसने भूख लग रही हो सारे खाओ। हम तो खाना भी खाया ही, अर्थ हम भी इस टाइम आई हो है। चाची इन पे के दो डांट मार, किस टाइम आई है ये। तो दीदी भी तो वहीं से आई है जहाँ से तुम आए हो है। हाँ सही कह, मारो एयरपोर्ट हो गया ना। अराड़ा अणक है प्रीति की छात पर छोड़ दिए है ना। हाँ बाद में आवा। उस पर डांट लगाओ, वो आ नहीं रही ना, जल्दी लगाओ। ये देखो गाइज अब हम जा रहे हैं, हमारे जागरण है, अब पूरी रात वहीं पे बैठेंगे है ना बेटा। ओह निकम्मी कौन सी है। ये तो ये अब हम चल पड़े हैं सारे। क्या बेटा तेरा सैंडल पैरा है, है? जल्दी भाग ले बेटा। कहाँ है मेरे लड्डू, अब रोना नहीं बिल्कुल भी ठीक है। मेरी माँ की आंखों से तगड़ा है ना। आप वो बोलने। अब हम आ गए हैं जागरण में, माता रानी का जागरण रही। देखियो मेरी जेठानी के साथ घूमने चाव है ना। खूब नाचेंगे
और बार बार प्रणाम सुमरण करके होते हैं और सकल संपूर्ण माता सरस्वती का और सच्चे दरबार की अब रानी अपने राजा का सर दबाने लग जाती है। सर दबाते दबाते रात के 10 बज जाते हैं। रानी मन ही मन माँ भगवती से प्रार्थना करती है कि माँ ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंची तो कलयुग में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। माँ मोरी पत्र सनातन धर्म की, धरती माता की, गौ माता की, शंकरदेव भगवान की, बालाजी नमः पार्वती हिपदे हर हर महादेव। आपकी अपनी पार्टी हरीश भद्रा एंड पार्टी। हमारा जागरण समाप्त हो चुका है। हरी बम जाइए, घर पर 6 बज गई है। मेरी तो रानी 4 बजे जाओ थी, जा लेना तो वही तो घूमगा, जा लेना माता रानी। अरे वो तू क्या कर रही है? एक को तो खड़ा करके ले जाऊंगी, दूसरे को लटा कर। चिरंगपुरी में तो है समोसम देखने को नहीं मिलता, पर आज हम बहुत खुश हाँ। चलो अब बासमा को घूम का आवांगे। ये बात बताओ दी कैसा लगा? बहुत बढ़िया है ना। और देखो ये अब 6:15 हो गए होंगे, कौन आ गया? सो रहे हैं बच्चों की चप्पलें हाथ में है। सही बात है भाई, हाथ में प्रसाद है। हाँ बच्चों का तो करना ही पड़ता है। ये देखो हमारी प्यारी सी गुड़िया सो रही है, हम भी जाकर सोवांगे। गाइज अब हमने कर लिए हैं अपने बैग पैक, अरीब दिखावांगे, हम भी तैयार हो लिए हैं, पर बैग का की तैयारी पूरी कर ली। हमने देवर दिखाणिया ने पहरे हैं एक से सूट, और कैसे लग रही है ये बताइए जरूर। और मेरी ननद का रखा है, ये थोड़ी बिजी है काम में तो इस मारे पैर नहीं पाई, फिर कभी पहरेगी तो जरूर दिखाएंगे। खड़ी हो, देखो ये दोनों मिलके है, मेरी ननंद और मेरी देवरानी हमारे को खाना खिला के तब भेजेंगी। एक और ऐसा सिंक में रखा हुआ है बेटा, ये चम्मच चमचा। और आज हमारा लाइट आई नहीं है, सारे बर्तन ऐसे बिखरे पड़े हैं। किस किस की होगी डिलू भैया की, विकास पूजा दीदी की, अरे खाना तो खाओगे खाना तो खाओगे।